Okay, so we are recording. So, Assalamu alaikum, welcome to today's lecture. So, this was the data set which we were analyzing that day. हम इसमें चीजें देख रहे थे कि क्या है. सो जस्ट अबिट उसको ब्राउज करने के लिए वी सॉ दीज बेसिकली अ सेल्स डेटा सेट. तो सेल्स डेटा सेट के अंदर यू आर गोना हैव दीज कॉलम्स लाइक यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी एंड द टोटल. द टोटल रिप्रेजेंट्स द टोटल सेल्स. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ टैक्स अप्लाइड. जब भी वेन एवर यू बाय एनीथिंग फ्रॉम अ सुपर स्टोर सो देयर इज अ टैक्स व्हिच गोज टू द गवर्नमेंट. दैट्स ऑल्सो देयर. कितने परसेंट लगा है. आई डिड सम रीड अप ऑन दीज फैक्टर्स. ये आप लोग इसको समझ लें क्योंकि यू आर गोना बी फेसिंग सेल्स डेटा प्रोबेबली क्वाइट अ लॉट इन योर कैरियर्स. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये होता है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं सामान को बेचने में, जैसे आपके डिलीवरी के एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी जो लेट्स से कि ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंडिचर्स हैं, लॉजिस्टिक को एक्सपेंडिचर्स हैं, मे बी उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंडिचर भी आता हो. आई डोंट नो अबाउट दैट क्लियरली, बट इट्स बेसिकली द कॉस्ट दैट यू इनकर इन सेलिंग योर गुड्स. ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस वेरिएबल. सो होता ही है कि व्हेन यू गेट द सेल्स, सो यू गेट जो कस्टमर आपको चीजें देता है उसको रेवेन्यू कहते हैं. तो कस्टमर से जो आपको टोटल सेल्स मिलती हैं वो दैट इज बेसिकली योर रेवेन्यू. ठीक है, टोटल आप इसको टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, रेवेन्यू भी कह सकते हैं. तो आई कैन से कि अगर मैं इफ आई सम अप दीज टोटल सेल्स प्रोबेबली, या और भी अगर कोई चीज हो तो उन सबको मिला के जब आप बताएंगे तो दैट इज योर रेवेन्यू. तो रेवेन्यू में से टिपिकली आई डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, एंड एनी अदर कॉस्ट. And that gives me basically the gross income, जिसको हम profit भी कहते हैं. तो profit is basically, ये तो हमने basic accounts में कभी किसी ने पढ़ा भी होगा. तो profit and income can be equated for the same thing. Income आपकी वही है जो आपको profit हुआ है, और वो आपके revenue में से costs को minus करने से आता है, या और भी कोई अगर cost हो उनको minus करने से आता है. मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन ये चीज होती है कि इफ आई से रेवेन्यू माइनस कॉग्स, उसको एक रेशियो बनाने के लिए आई डिवाइड दैट बाय द रेवेन्यू. तो दिस इज जस्ट वन. आई कांट गेट अ ग्रॉस मार्जिन फॉर एवरी सेल दैट आई गेट ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉग्स डिवाइडेड बाय द टोटल रेवेन्यू गिव्स मी प्राइमरली द ग्रॉस मार्जिन. तो ये बेसिकली मार्जिन ये बताते हैं कि ऑब्वियसली अब आप खुद समझ सकते हैं कि प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट रेवेन्यू के हिसाब से कितना इंक्रीज कर रहा है. दिस इज अ परसेंटेज, सो आई डिवाइड, आई मल्टीप्लाइड दैट बाय 100. तो ये टोटल प्रॉफिट आपका ये है इनकम. तो रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से वो कितना चेंज कर रही है, कितना बेहतर जा रही है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है दैट बेसिकली रिमेन्स द सेम थ्रू आउट दिस. ऑब्वियसली वो तो एक ही होगा ना ग्रॉस मार्जिन एक पर्टिकुलर टाइम्स क्वार्टर के लिए, या एक पर्टिकुलर जो है ना आप कह लें कि मंथ के लिए, या पर्टिकुलर छः महीनों के लिए, वट एवर. तो दिस इज नॉट अ वेरी डिटेल्ड डेटा. सो ग्रॉस मार्जिन विल रिमेन द सेम. तो लेकिन इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी कम है. एंड आई ऑल्सो हैव डाउट्स अबाउट द डेटा हेयर. मैं आपको बताता हूँ क्यों. सो बहरहाल टिपिकली वी कैन अज्यूम के 20% ग्रॉस मार्जिन जो है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए. ठीक है, 20% ग्रॉस मार्जिन इज कंसिडर्ड अ गुड ग्रॉस मार्जिन. एंड इफ इट इज लाइक 30-33% तो दैट इज वेरी गुड. जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली आप रेवेन्यू के हिसाब से उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बना रहे हैं, दैट इज इवन बेटर. लेकिन इनका जो आ रहा है वो सिर्फ 4.8% आ रहा है, तो दैट इज क्वाइट लेस. ठीक है, तो आई होप दैट दिस ये जो सारी कहानी है ये अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि कैसे करना है. अच्छा, हमने ये कहा था कि डेट और टाइम जो है वो ऑब्वियसली इनको हम मर्ज करेंगे. तो अभी तो एक्सेल में तो ये हो नहीं सकता ना. एक्सेल में करना इसको हमाकत है, या तो हम इसको पाइथन में करें
या हम इसको पावर बीआई के अंदर करें। तो पावर बीआई के अंदर अब एक उन्होंने जो रैंगलिंग की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। उसके अंदर इवन आप स्टैटिस्टिकल ये टी टेस्ट वगैरह भी मेरे ख्याल में आप कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। बहरहाल ये दिस दिस इज वी हैव टू मर्ज देम, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए, पूरी डेटा बन जाएगी। रेटिंग का हमने देखा था, रेटिंग एक चीज है, ब्ला 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 एंड अदर अदर फैक्टर्स भी कंसिडर्ड। अच्छा, जहां तक स्टेटिस्टिकल का ताल्लुक है, तो अब टी टेस्ट के अंदर ना कोई इतना कोई खास तो बनता नहीं है ना, ऑल ऑफ देम आर लाइक डिफरेंट वेरिएबल्स एंड इट डज नॉट मेक सेंस टू डू अ टी टेस्ट। लेकिन इस तरह से सेंस बन सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स का ये जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का और लेट से कि मैं इनकम का देख लूं, ऑब्वियसली टोटल सेल्स और इनकम के एवरेज में तो जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, तो आई कैन जस्ट वेरीफाई दैट, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन तो मैं किसी भी उसमें नहीं लेके आऊंगा, ग्रॉस मार्जिन इज समथिंग जो कि मैं एक गॉज पे डाल सकता हूँ, राइट, कि आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर लें, कितना ग्रॉस मार्जिन आ रहा है, आप इतना टारगेट से दूर है या इतना टारगेट से जो है वो करीब है। अच्छा, आई कैन डू द टी टेस्ट बिटवीन द टोटल सेल्स एंड द ग्रॉस मार्जिन, द ग्रॉस इनकम। आई कैन ऑल्सो डू इट बिटवीन टोटल सेल्स एंड कॉग्स, एंड आई कैन डू दैट बिटवीन कॉग्स एंड इनकम, जस्ट टू सी के इनके आपस में मीन्स डिफरेंट हैं कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली होने भी चाहिए। एनोवा के लिए मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आई गॉट डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड डिफरेंट ऑब्वियसली दी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, लेकिन जो न्यूमेरिकल वेरिएबल जो मेरे इंटरेस्ट में आएगा वो ऑब्वियसली ग्रॉस इनकम है। तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू फोकस ऑन द टोटल सेल्स हेयर, ये मैं आप पे छोड़ दूंगा, अगर आप इसको भी साथ में शामिल करना चाहते हैं। फिलहाल हम इनकम पे फोकस करें क्योंकि वो मेरा मेन प्रॉफिट वही है, ठीक है। तो आई कैन डू द इनकम अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। काय स्क्वेर्ड के लिए भी मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शन है, मैं एक दूसरे के खिलाफ उसको करके देख सकता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा बेटर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब ओके, सो लेट मी ये मैंने किया था, तो इसमें जो है वो आई रेड द सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स डीएफ का 15 करके देखा, सो आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा बेटर। नल वैल्यूज इसमें फिलहाल कोई भी नहीं है, टाइप्स मुझे पता चल गई हैं। अच्छा, अब जब मैंने इसका टी टेस्ट किया सेल्स और इनकम का, तो व्हाट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड इनकम? तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एवरेज सेल्स और एवरेज इनकम में फर्क होना चाहिए, दे कांट बी द सेम, राइट, क्योंकि मेरे एक्सपेंडिचर्स भी बीच में आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट कि पी वैल्यू इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इसका एवरेज सेल 322 डॉलर्स है और जो एवरेज इनकम जो हो रही है वो मेरे पास पर सेल इज 15 डॉलर्स, सही है। तो ऑब्वियसली इसमें तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स का भी यही मामला होना चाहिए, लेकिन इट टर्न्स आउट के इनके दरमियान आपस में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा था, दैट इज 15% पी वैल्यू, और जितनी आपकी एवरेज सेल्स हो रही हैं उतनी ही आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दे माइट बी दे आर टिपिकली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये लीनियर रिग्रेशन के लिए एक अच्छा फॉर्म है, और इनका नॉर्मल बिहेवियर भी मे भी यही हो कि ऑब्वियसली जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी उतनी, वैसे उसका तो इनकम वेरी करना चाहिए ना। देयर इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप इन दिस केस हेयर, और ये शायद मैंने पहले भी किसी एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा था, तो ये इट कुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर बढ़ रही है तो यू आर इन्वेस्टिंग मोर इन टू योर बिजनेस, तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, तो देयर सीम्स टू बी अ लॉजिकल रिलेशनशिप टू दैट। लेकिन आई थिंक दिस इज दिस कुड बी अ वेरी यू नो आप ये कह लें कि अ वेरी वेरी सिंपल थिंग फॉर द बिजनेस, कि यार ये तो होता है, मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। और इनकम और उनके दरमियान जो है वो अगेन इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इनकम 15.3 है और जाहिर सी बात है ये तो वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, सरप्राइजिंगली जब मैंने इसको
ग्रॉस इनकम को मैंने जब ब्रांच और कस्टमर टाइप, जेंडर, प्रोडक्ट लाइन, पेमेंट के साथ मैंने अनोवा किया तो सरप्राइजिंगली देयर डज नॉट सीम टू बी एनी डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू द इनकम. तो यानी कहने का मतलब ये है कि एवरेज इनकम जो है वो मेरी ब्रांच के हिसाब से भी सेम है, कोई इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, और कस्टमर टाइप के हिसाब से भी सेम है, और जेंडर के हिसाब से भी, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से भी, पेमेंट के हिसाब से भी माय एवरेज इनकम इज नॉट वेरिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप्स. और ये बड़ा अजीब सा रिजल्ट है क्योंकि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा रिजल्ट क्यों आएगा. ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि व्हाट वी बिलीव इज के आपके जो पेमेंट मेथड्स हैं दे आर जनरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, राइट. हर प्रोडक्ट लाइन पे, प्रोडक्ट लाइन में मेरे पास 6 या 7 इनके प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज, तो दे शुड बी जनरेटिंग डिफरेंट. लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 92% 89% सिर्फ जो सबसे कम आता है वो तकरीबन, अगर मैं थोड़ा सा भी इजाजत दूँ तो दैट इज लाइक क्लोज टू 10% वो जेंडर के लिए आता है. सही है कि जेंडर बेस्ड मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एक फर्क मुझे नजर आ रहा है, लेकिन कस्टमर टाइप और ब्रांच के हिसाब से मेरी ग्रॉस इनकम पे कोई खास फर्क नहीं है. तो अब प्रॉब्लम ये आती है, आप लोग कहेंगे कोई फर्क, इससे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क ये पड़ता है कि जब वो वेरी ही नहीं कर रहा तो मैं उसको फिर डायमेंशनल एनालिसिस में क्यों करूँ, उसके ऊपर स्लाइसर्स क्यों बनाऊँ, उसके ऊपर मैं क्यों करूँ. लेकिन इस केस में मे बी द सैम्पल ऑफ डेटा इज टू स्मॉल टू फाइंड आउट एनी पैटर्न, या मुझे लगता ही है कि उन्होंने इस डेटा को बहुत ज्यादा एनोनिमाइज करके हमें दिया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बनाया, और इट सीम्स टू टाइट. ठीक है, जैसे आपने कोई गाड़ी बेचनी हो तो आप उसको अंदर से गाड़ी खराब है लेकिन ऊपर से आपने उसको हल्का सा पेंट भी करवा दिया, उसकी वॉशिंग करवा दी और उसके सीट कवर साफ करवा दिए तो लगता है कि गाड़ी नहीं है, हालांकि वो अंदर से कुछ भी नहीं है. तो इस तरह का मुझे फीलिंग आ रही है. और जब टू कंफर्म दैट मैंने फिर सेल्स के क्रॉस ये करके देखा. ठीक है, क्योंकि टोटल सेल्स और टोटल इनकम में तो जमीन आसमान का फर्क है, राइट. तो अब उसके क्रॉस भी मुझे बिल्कुल वही फिगर्स मिली जो कि मुझे उसके क्रॉस मिली, कि यानी एवरेज इनकम जो है उसका जो, यानी इनकम चेंज तो हो रही है लेकिन वो चेंज सिग्निफिकेंट नहीं है. और जितना वो इनकम के लिए पैटर्न्स आ रहे हैं सिग्निफिकेंस के, वही पैटर्न्स आपके बिल्कुल सेल्स के लिए भी रिपीट हो रहे हैं. तो यानी मकसद कहने का ये है कि सेल्स हो गई या मेरी इनकम हो गई वो प्राइमरीली एक ही तरीके से ग्रुप्स के क्रॉस वेरी कर रहे हैं. और इसमें भी वही मैं कंक्लूजन कह सकता हूँ कि सिर्फ जेंडर ऐसा है कि जिसके क्रॉस मैं कह सकता हूँ कि यानी औरतें और मर्द जो हैं वो मुझे मुख्तलिफ इनकम या मुख्तलिफ सेल्स जनरेट कर रहे हैं, बाकी जितने भी मेरे पास ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं वो दे आर नॉट जनरेटिंग एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन. आप देखेंगे अच्छा खासा 41% 53, यानी प्रोडक्ट लाइन और पेमेंट के क्रॉस तो देखने का कोई तुक बनता ही नहीं है. पेमेंट का मेथड कोई भी हो वो उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे पे कर रहा है. हम ये नहीं कह सकते कि क्रेडिट कार्ड वाले हमें ज्यादा सेल्स दे रहे हैं, ज्यादा इनकम दे रहे हैं, तो ये तो बात हम जेन से निकाल देंगे. पेमेंट मेथड से इसका कतान कोई ताल्लुक नहीं है. और जो मैंने प्रोडक्ट लाइंस बनाई हैं वो प्रॉब्ली इतनी कम हैं, 6 प्रोडक्ट लाइंस हैं कि वो उसके अक्रॉस कोई इनकम वेरी कर ही नहीं रही. मतलब हर आदमी ने प्रोडक्ट को बराबर बराबर खरीदा है. आप इस तरह समझ लें कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बराबर बराबर खरीदे गए हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस. और पेमेंट मेथड से किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सेल्स और इनकम से उसका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं. ताल्लुक है तो जेंडर का है, एंड दैट इज इट. ठीक है, ना ब्रांच का ताल्लुक है ना कस्टमर टाइप का ताल्लुक है. तो ये बड़ा अजीब सा रिजल्ट है और मुझे आई डोंट नो कि ये क्यों आ रहा है. प्रॉब्ली बिकॉज जो मैंने आपको रीजन बता दिया है. अच्छा, फिर मैंने ये किया कि मैंने रेटिंग के क्रॉस इसको करके देखा कि रेटिंग, क्योंकि अब मसला ये कि रेटिंग भी कस्टमर नहीं दी है, उसमें भी यही रिजल्ट आने चाहिए. तो रेटिंग में जब मैंने इसको करके देखा तो उसमें थोड़ी बहुत फिगर्स चेंज हो रही है. ब्रांच के क्रॉस जो है ना वो रेटिंग मेरी चेंज हो रही है, तकरीबन 12% आ रहा है, लेकिन वो भी इतना आप कह लेंगे सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, और कस्टमर टाइप का रेटिंग से कतन, तो मेरी बेसिकली इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कस्टमर टाइप्स इन्होंने बनाई हैं
वो सही नहीं है, दे आर नॉट डिस्क्रिटाइज्ड प्रॉपरली, राइट? तो दे नीड टू चेंज द वे द कस्टमर्स आर डिस्क्रिटाइज्ड. जेंडर के क्रॉस तो कोई रेटिंग का कोई है ही नहीं, वो मर्द औरतों ने एक ही तरह की वो रेटिंग दी, विच इज अगेन स्ट्रेंज, क्योंकि इनकम में तो उनका फर्क आ रहा है और रेटिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है. इसी तरह प्रोडक्ट लाइन और पेमेंट का रेटिंग से कोई, रेटिंग का अगर ताल्लुक आ रहा है तो वो ब्रांच के ऊपर आ रहा है कि कौन सी ब्रांच के ऊपर है. तो कुछ ब्रांचेस के ऊपर ज्यादा अच्छी रेटिंग आ रही होगी, कुछ के ऊपर कम रेटिंग आ रही होगी, ये चक्कर होगा, ठीक है. और क्या कहते हैं, बस इसको हम वो टूकी तो मैंने किया नहीं इसका, लेकिन टूकी आप करके देख सकते हैं कि किस ब्रांच पे ज्यादा आ रही है किस ब्रांच, लेकिन वो है 10% से ज्यादा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी वही पैटर्न आ रहा है, जो वो तो खैर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स का आपस में टी टेस्ट भी है, तो उनका आपस में प्रमोशन है, तो इसका सेल्स वाला ही आएगा. तो पता ये चला बेसिकली कि जेंडर सीम्स टू बी समथिंग जो कि ज्यादा रिलेटेड है, सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है मेरी सेल्स के साथ, इनकम के साथ, मेरी कॉस्ट के साथ, उसका जेंडर के साथ ज्यादा जो है ताल्लुक नजर आ रहा है. बाकी अगर आप जबरदस्ती करना चाहते हैं तो ब्रांच इज समथिंग जो कि हम कह सकते हैं कि विच इज गोइंग टू गिव अस सम आइडिया के एनालिसिस का थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है. और रेटिंग का भी फिर मैंने क्वांटिटी का करके देखा, तो क्वांटिटी में भी वही है कि क्वांटिटी जेंडर के अक्रॉस सबसे ज्यादा वेरी करी. ये एक बायस सिग्निफिकेंट रिजल्ट है कि जो जो चीज़ें जितनी तादाद में चीज़ें खरीदी गई हैं वो जेंडर के अक्रॉस वेरी करी है. और टू की में फिर मैंने करके देखा है कि इतना ज़्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि फीमेल्स मेल्स से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रही हैं. तो दैट्स सम रिजल्ट जो कि जिसपे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, बट अदर देन दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द डेटा, ठीक है. तो आई हैव माई डाउट्स अबाउट द डेटा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. डेटा इज टिपिकली डर्टी और द फैक्ट कि इस डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, डेटा एंट्री एरर्स नहीं है, दैट मीन्स कि उन्होंने इसको क्लीन किया है और कैगल पर डालने के लिए उन्होंने उसको पता नहीं क्या कुछ कर दिया है, तो उसके अंदर से मुझे कुछ इतना खास नजर नहीं आ रहा. सैंपल भी इतना ज्यादा नहीं है, तकरीबन सेल्स की तो मिनिमम 10-15 हज़ार रोज होनी चाहिए मिनिमम. तीन साल का आप लेंगे तो 70-80 हज़ार 1 लाख रोज तो कम अज कम होनी चाहिए जिससे हम कुछ अच्छे पैटर्न निकाल सकें. तो ये दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. बहरहाल फिर मैंने इसको ये किया, काय स्क्वायर किया. काय स्क्वायर में भी मुझे कुछ भी फेल टू अच्छा काय स्क्वायर का बता सकते हैं कि क्या था वो डिपेंडेंट काय स्क्वायर का क्या होता था नल हाइपोथेसिस कि उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा ही है ना? हाँ जी, कौन बताएगा? जी सर, यही होता था कि हम कंटिंजेंसी टेबल बनाते थे तो उसके बाद नल हाइपोथेसिस ये होता था कि देयर इज नो कोरिलेशन. हाँ, देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है, नो कोरिलेशन. हाँ तो ठीक है, अभी देखने के ब्रांच और प्रोडक्ट लाइन में कोई कोरिलेशन नहीं है, प्रोडक्ट लाइन सिटी में कोई कोरिलेशन नहीं है, फेल टू रिजेक्ट. इसी तरह आपका प्रोडक्ट लाइन और कस्टमर टाइप में भी फेल टू रिजेक्ट, प्रोडक्ट लाइन जेंडर में भी फेल टू रिजेक्ट. दिस डेटा इज नॉट रियली गुड, बट खैर हमने तो अपना काम करना है. प्रोडक्ट लाइन पेमेंट के अंदर भी इट्स अगेन फेल टू रिजेक्ट, ठीक है. फिर इनके हिस्टोग्राम्स बनाए, थोड़े बहुत ग्रॉस इनकम का देख रहे हैं आप, इट्स प्रीटी स्क्यूड, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी सी शेप आ रही है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल आप नहीं कह सकते, ऑब्वियसली नॉर्मल है नहीं, दूसरी तरफ की वो चीज ही नहीं है उसमें. तो समथिंग इज नॉट राइट अबाउट द डेटा, एंड आई थिंक इट इज द फैक्ट के द नंबर ऑफ रोज इज टू लिमिटेड, सो दैट्स समथिंग टू लर्न फॉर अस, ठीक है. ये है, दिस कुड बी अ वेरी हाई क्यूटोसिस कर्व, ठीक है. और एंडरसन जब मैंने किया है ग्रॉस इनकम का तो वो मुझे कह रहा है कि it is normal, data does not look normal. हाँ तो reject the null hypothesis, क्योंकि ये value कितनी आ रही है. हाँ जो भी value आ रही है data normal नहीं रख रहा बहरहाल, और total में भी वो यही कह रहा है does not look normal. वो तो हमने देख लिया है, तो अब data normalize भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है. और ये दिस कुड बी द केस, देखें अगर आप रैंगलिंग खुद नहीं करेंगे, हमने रैंगलिंग खुद नहीं की इस डेटा में, राइट, रैंगलिंग किसी ने हमें करके दी है, तो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है. ये सारी जो टाइप्स बनाई हैं वो आईटी वालों ने बनाई हैं, और पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, डेटा नॉर्मल भी नहीं है. अब इस डेटा को एनालाइज करना जो है ना, वो अगर मैं कंपनी में होऊंगा तो मैं फ्रैंकली नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे
दस गुना सैंपल साइज बढ़ा के दे दो, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, जस्ट टू शो यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये कैगल का डेटा है, ये दिस इज नॉट द डेटा किसी ने जो फिक्टिशियस बना दिया हो, ये उन्होंने कंपनी में अपने ही कुछ रैंगल करके डाल दिया और अजीबो गरीब ही कुछ इसके अंदर मामला पेश आ रहे हैं। बहरहाल आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स अबाउट दैट। अच्छा मैं इसको पहले थोड़ा सा लेट मी इसको मैं बंद कर लूँ ताकि सही है। अच्छा नाउ लेट्स स्टार्ट विद पावर बीआई। नाउ अब अभी हमारे कंक्लूजन्स क्या है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड बी थिंकिंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, क्या मैंने सोचा क्या है, राइट। आई गॉट टू नो के जेंडर और ब्रांच इज समथिंग जो के चलो अगर मैं चलो 10% लेवल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर माई ओन यू नो लग्जरी, तो मुझे पता चलेगा कि जी जेंडर और ब्रांच इज समथिंग जो कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी चीजें हैं एज कम्पेयर टू पेमेंट टाइप और कस्टमर, पेमेंट टाइप और कस्टमर टाइप तो आप समझ लें कि बिल्कुल भी सही डिस्क्रिमिनाइजेशन नहीं की गई है या वो नहीं पकड़ पा रहा है उसमें पैटर्न्स को, आपके सामने था तो ठीक है वो हम अभी अपने हाथ से वो जाने देते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट वी विल फोकस ऑन द जेंडर मोर एंड वी विल फोकस ऑन द ब्रांच, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने करें ब्रांच और सिटी एक ही चीज है ना, राइट, तो ब्रांच में हम फोकस कर लेंगे हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। ब्रांच इज समथिंग लाइक बैंक्स वगैरह भी हैं, वो भी अपनी ब्रांचेस obviously that's what you like, you can locate the branch, you can locate the ATM at the branch, etc, etc. So branch is more important than the branch is more important than the city in the in this case probably, theek hai. Acha ab aap apna khol le Power BI. So this is what you see. तो ये चीज है, तो अभी हम विल ऑब्वियसली ट्राई टू गेट द डेटा। अच्छा ये इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, ये मैंने पढ़े नहीं है, आई एम नॉट सीन दैट, आप इसको अपनी मर्जी के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी टिप्स ऐसी होंगी जो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा कोर्स के अंदर, लेकिन आई एम गोइंग टू, मैं असल में आपको स्किल सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको टूल नहीं सिखा रहा, ठीक है, मैं आपको स्किल सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह करते हैं। तो अभी मेरे जहन में ये बात आएगी कि मैं ग्रॉस इनकम को पकड़ूंगा क्योंकि मेरे लिए तो वही जरूरी चीज है, सबसे पहले आई विल लुक एट ग्रॉस इनकम। अच्छा ये बच्चे जितने भी हैं वो जरा अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अलाउ स्क्रीन शेयरिंग करता हूं, मैं देखता हूं कौन कौन बैठा है इस वक्त, मैं किसी का नाम है आके स्क्रीन शेयर करें बेटा अपनी, सूफिया वरीशा आप भी करें। सर ये कह रहा है कि एक साथ शेयर नहीं कर सकते। अच्छा हाँ चले ठीक है, हमराज आप करें बेटा पहले, हमराज तो कर रहे होंगे, हमराज तो अच्छा बच्चा है यार, क्लास में सबसे आगे बैठते हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग कर रहे हैं साथ साथ के नहीं कर रहे हैं। जी हमराज सर ये अलाउ नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मल्टीपल स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, तो वो इनेबल करना होगा आपको। अच्छा मैं अपनी स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, चलें आप करें। यस सर हाँ ठीक है सही है बस सही है ठीक है दैट्स ओके राइट। सो आई होप कि अब आप इसको देख सकेंगे, तो दिस इज द, तो ऑब्वियसली मैं मेरे पास अभी सीएसवी है तो मैं सीएसवी से कनेक्ट कर लेता हूँ, आई कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू एक्सेल। तो ये सेल्स की सीएसवी मैंने अपलोड की है, सेल्स सीएसवी सर मैं वही चेक कर रहा हूँ सर। ये रैंगल्ड वाली आई थिंक नहीं की होगी, तो ये वाली करते हैं जो अभी जिस पर आपने प्री प्रोसेसिंग की है। प्री प्रोसेसिंग में मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, वो तो मैंने एक अलग किया है सिर्फ टेस्ट है ना। अभी यार मैं आई थिंक के मैं लेट मी चेक ऑन ड्राइव, स्प्रिंग 2021 हैंड्स ऑन में, हाँ मैंने अभी तक, खैर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अच्छा मैंने आपको ये डिजिटल मार्केटिंग का कोई असाइनमेंट दिया था जिसमें आपने पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट करना है? सर पहले दिया था जीडीएस पे, उसके बाद अभी दूसरा दिया हुआ है चर्न डेटा। हाँ चर्न पे दिया हुआ, ठीक है। तो केस स्टडी सेल्स के नाम से फोल्डर डाल रहा हूँ,
एंड आई जस्ट इसको आप कर लें, सॉरी अबाउट दैट, मैं इसको भूल गया। सेल्स और रैंगलिंग में इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, आप इसको फिर देख लें। ठीक है, हैंड्स ऑन पे मैंने कर दिया इसको, प्लीज अब आप देख लें। आई जस्ट कंटिन्यू दिस। राइट, सो हियर वी आर। अच्छा, अब इस केस में आई विल रिकमेंड यू ऑलवेज, अब इसने कॉमा से पकड़ लिया है, मैं आपको रिकमेंड, अच्छा बाज़ुकात ये यू नीड टू मेस विद दीज आल्सो डिपेंडिंग कि क्या है, लेकिन अभी इसको हम नहीं करते, वो बेस्ड ऑन द फर्स्ट 200 रोज है, आप इसको बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा सेट भी कर सकते हैं, तो इन दिस केस नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज डेटा इतना है नहीं, तो एंटायर डेटा सेट के ऊपर उसने जो भी सपोजिशंस वगैरह लेनी थी वो उसने ले ली है, क्योंकि डेटा टाइप्स को खुद डिटेक्ट करता है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज प्रीटी गुड, लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप हमेशा ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाएं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा में इनका इकोसिस्टम अब काफी बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म के अंदर देयर आर थिंग्स लाइक यू कैन रिप्लेस द वैल्यूज इन अ कॉलम, यू कैन मर्ज द कॉलम, जो कि हमने करना है, यू गॉट द स्टैट्स, स्टैट्स में आपके पास ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, जो अभी अपने पाइथन स्क्रिप्ट वगैरह रन किए, तो लेट मी जस्ट चॉक दिस आउट, मैं जस्ट मुझे जो आपको चीजें करके दिखानी है वो मैं पाइथन और आर, ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। या आपको उसमें यहीं पे देखें, रैंगलिंग में देखें कितनी अकलमंदी की बात है, दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दीज टू टूल्स। अब इसके बजाय कि हम, अब हमने पाइथन स्क्रिप्ट अपनी बनाई हुई है, इसके बजाय कि मैं अलग से नेविगेटर खोलूँ, मैं स्क्रिप्ट इसको दे देता हूँ, स्क्रिप्ट को रन करके सारे रिजल्ट दिखा दे, कैसे होगा वो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने इसको खुद अभी किया नहीं है इस डेटा के लिए। ठीक है, तो बहरहाल इसमें बहुत सारी चीजें आप रीनेम वगैरह कर सकते हैं सबको। तो पहला चीज तो ये है कि हम जो कॉलम हमें नहीं चाहिए हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो इनवॉइस आईडी जो है ना वो समथिंग जो कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको इसलिए डिलीट नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मे बी मैं इसको किसी फिल्टर में बाद में इस्तेमाल कर लूँ। इट्स ऑलवेज बेटर टू name your columns like this, customer dot type, ताकि वो अच्छे नजर आए। spaces देना जो है ना वो सही नहीं है, तो पहले आप ये काम कर लें सब, product line change कर लें इसको, ठीक है, और इस तरह unit price, अभी तक कोई ऐसा tax में जिस तरह ये लिखा हुआ है 5% tax के बाद क्या कितना बनेगा, तो इसको मैं tax इस तरह कर देता हूँ, tax percentage, ठीक है, या 5% कर दें, इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, इस तरह कर दें, टोटल की जगह आप ऑब्वियसली टोटल सेल्स कर दें, दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। अच्छा, डेट और टाइम को फिलहाल मैं अभी नहीं छेड़ा, अभी मैं इसको पहले हम कॉलम्स के नेम से ही कर दें, तो इसको कॉग्स कर दें, कॉग्स के ग्रॉस मार्जिन को ग्रॉस मार्जिन कर दें, दैट्स गोना रिमेन द सेम, ये तो हम एक गॉज पे दिखा सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारी कितनी वो है, और ग्रॉस इनकम को यूं कर दें, ठीक है, और ये हम कह दें कि कस्ट रेट, कस्ट रेटिंग, ठीक है, कस्ट, हाँ बस ये कर दें सीएसटी कर दें, या जैसा कर दें इसको, मेक इट मोर इंटरेक्टिव, कस्टमर रेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमने काम ये करना है कि दिस सीन्स प्रीटी गुड, अब हमने देखिए इसने डेट और टाइम का जो टाइप है वो सिलेक्ट कर ली है, जैसे पाइथन भी अपने डेटा टाइप्स डिटेक्ट करता है, तो इसने ऑटोमेटिकली पकड़ ली है, लेकिन मैंने इसको मर्ज करना है, तो मैं दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं और मैं कहता हूं मर्ज कॉलम्स, क्योंकि टाइम को अलग से देखने का फायदा, वैसे फायदा तो हो सकता है, क्या ख्याल है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं इस तरह करता हूं कि मैं इनकी कॉपी बना लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे कुछ इतना पता नहीं है, इसमें होगा, इसमें ये होगा कि लेट मी मैनेज कॉलम्स, आई कांट डुप्लीकेट अ कॉलम, राइट, डुप्लीकेट कॉलम, आई कैन डुप्लीकेट दिस कॉलम, डेट की कॉपी आ गई,
और आई कैन डुप्लीकेट दिस कॉलम. अभी असल में मुझे पता नहीं कि ये किस तरह करेगा ना, तो ये आई विल लेट इट रिमेन एट एज इट इज. इन दोनों को फिलहाल मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है. तो इसको इसको मैंने किया और मैं ट्रांसफॉर्म पे गया, मैंने इसको मर्ज कॉलम कर दिया. अच्छा, इसमें आपने स्पेस रखनी होगी वरना वो मर्ज उसको बिल्कुल साथ साथ कर देगा. स्पेस इसका एक सेपरेटर स्पेस कर लें और इसका नाम आप रखते हैं डेट टाइम, क्योंकि हमने जाहिर सी बात दोनों किया हुआ है, इसको आप ओके कर दें. ये डेट टाइम आ गया, लेकिन इसने अभी टाइप पकड़ी नहीं है, तो मैं एबीसी पे क्लिक करके आई कैन पुट दिस एट डेट टाइम. अब ये देखिए इसने पूरा उस हिसाब से डेट टाइम को पकड़ लिया है, राइट. सही है, समझ में आ गई बात की? यस सर. कैन यू शो कि हम उसको डुप्लीकेट कहां पे कर देते? सॉरी सर, कैन यू शो कि डुप्लीकेट कहां पे कर देते? वो नहीं मिला डुप्लीकेट, वो एंड में खुद ही ऐड कर देगा डुप्लीकेट कॉलम. बस आप जो डेट का ओरिजिनल कॉलम था उस पे क्लिक करें, डुप्लीकेट कॉलम करें, तो एंड में एक डुप्लीकेट डेट ऐड कर देगा. ओके सर, ठीक है. अच्छा, अब ये डेट टाइम ये उसने देखिए फॉर्मेट पकड़ लिया. अब ये कितना है, इसको हम ये पहली जनवरी से शुरू हो रहा है 10:40 पे तकरीबन, और ये खत्म हो रहा है 30 मार्च, तो 3 महीने का डेटा है. लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, ये आप लोड मोर कर ले तो ये सारी वैल्यूज अब आपको लोड करके दे देगा. और ये पहली जनवरी 30 मार्च और इस लाइक डेटा फॉर 30 डेज, और उसके अंदर टाइम भी है. अब टाइम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये हम बाद में देखेंगे. अच्छा, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके अंदर. एबीसी जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, ब्रांच एबीसी. और ये मेरा ख्याल ये सिटी के नेम भी है, ये सिटी के नेम होते हैं क्या, यांगोन वगैरह? लेट मी चेक दैट. हाँ, यांगोन म्यांमार का डेटा यार, इसलिए तो मैं कहूँ कि ये कहाँ से डेटा आ रहा है यार, पता नहीं इन्होंने क्या किया है. बर्मा, ये बर्मा से सारा डेटा आया हुआ है. चले एक मुस्लिम कंट्री का डेटा एनालाइज कर ले. ये हो गया. और आई डोंट थिंक सो कि हमें और कुछ इसमें करने की जरूरत है, क्योंकि बहरहाल मैं आपको वो बता देता हूँ. हाँ, एक चीज है, ये चीज है मैं भूल गया था. ये जो इस तरह की जो चीजें होती है ना, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, इतने इतने लंबे जो है ना, ये सही नहीं चलेगा. तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितनी वैल्यूज है इसमें, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है, राइट. तो आई विल ट्राई टू, व्हाट आई विल डू इज डुप्लीकेट बटन नहीं है हमराज जी, देखें आप, ये देखें, ये मैंने राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट कॉलम, इस तरह आप उसको क्लिक करें तो वो हो जाएगा, ठीक है. सर सर, ये जो फाइल थी ये एक्सेल थी या सीएसवी फाइल थी जो आपने यहाँ पे बोल किया? ये तो सीएसवी फाइल है ना. अच्छा सर, सीएसवी फाइल है. बहरहाल ये प्रोडक्ट लाइन है, तो आई विल जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज. और इसके अंदर अब ये पाइथन में ये काम जरा आराम से हो सकता है, हेल्थ एंड ब्यूटी को आई विल जस्ट रिप्लेस दैट विद हेल्थ, ठीक है. और सिमिलरली जो अब यहाँ पे इसको असल में वो दे देना चाहिए ना, वरना तो मैं गलती कर रहा हूँ. लेकिन बहरहाल मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी सर्च कर सकता हूँ रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स और मैच एंटायरिंग, मैं सर्च नहीं कर सकता उसको. बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज को आई विल रिप्लेस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी. और होम एंड लाइफस्टाइल को आप इसको होम एंड लाइफस्टाइल को I don't know, home or lifestyle कर दे इसको. Lifestyle means obviously home lifestyle जो आप करते हैं. Food and beverages को again, food and beverages, क्योंकि ये चीजें फिर बाद में ना चार्ट पे बड़ी अजीबो गरीब लगती हैं, इसलिए. अच्छा, जरूरी नहीं कि आप सारी वैल्यूज रिप्लेस करें, तो वो तो मैं वैसे ही करो. तो इसको हम कर देते हैं फूड, थोड़ा अजीब सा लगता है यार, क्या लिखते हैं इसको, फूड एंड बेवरेजेस, आई डोंट नो, खाना करते हैं इसको. एडिबल्स, सॉरी, एडिबल्स मेबी, ईटेबल्स. हाँ, ईटेबल्स भी ठीक है.
अच्छा इसमें एक चीज भी है जो फैशन एक्सेसरीज तो लाजमी बात है कि वो लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट क्रिएट अ फिल्टर हियर हाँ रिप्लेस वैल्यू ये आ गया ना हाँ ये देखिए ये आसान हो जाएगा यहाँ पे देखें इसको मैंने राइट क्लिक किया रिप्लेस वैल्यू किया अब ये यहाँ पर लिखा गया तो दैट्स प्रीटी गुड ये जरा ज्यादा आसान हो गया फैशन तो उसने फैशन रिप्लेस कर अच्छा अब ये स्पोर्ट्स एंड ट्रेवल है ना मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर ये मुख्तलिफ चीजें हैं आई कैन कन्वर्ट इट टू होल लोअर केस ठीक है आई कैन कन्वर्ट दैट टू होल अपर केस विच इज अ बिट अ गिडी गिव्स मी अ गिडी लुक लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड इज मच बेटर जो कि हमारा टिपिकल होता है अच्छा इसमें आप साथ में ट्रिमिंग भी कर सकते हैं क्योंकि बाजूकात वो वाइट स्पेसेस हो जाती है ना रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस तो ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रिम कर देगा ठीक है और ये क्लीन है यानी ये वो डेटा एंट्री एरर वाली चीज है कि आप इसको क्लीन करते हैं तो खैर इसमें तो कोई क्लीनिंग से कुछ होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है अगर आप कोई प्रीफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं आप उसमें प्रीफिक्स ऐड करते हैं जैसे ए अंडरस्कोर या बी अंडरस्कोर फॉर सम रीजन ठीक है तो बहरहाल इसको मैं रिप्लेस वैल्यू करके आई कैन जस्ट से स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डॉट ट्रैवल कर देता हूँ ठीक है स्पोर्ट्स और ट्रैवल दो अलग चीजें हैं तो दैट्स व्हाई ठीक है जी नाउ इट सीम्स प्रीटी गुड हियर अच्छा इसके अंदर एक चीज थी कि आई कैन ड्रिल डाउन तो ड्रिल डाउन में तो अभी मेरे पास कोई इतना कोई वो क्या कहते हैं how do I remove this query यार नहीं आई डोंट वॉन्ट टू how do I get back to this view here I'm sorry sorry about that so acha usko maine drill down kar diya but I just want to get out of this view I don't know view query settings mein add column I don't want to do that there's no transformation sorry lost it acha parallel aap pehle isko save kar le apply karke isko save kar de I can sales that as sales Burma ki sales hai ye it's not a country jisme aap expect karenge ki log bahut zyada acche tarike se uspe wo close and apply theek hai to ye close and apply karenge to ye aa jayega but I just want to go back to that view so this is the transformation view here ye so let me just delete sales I don't want to delete sales I want to delete this yes oh ho ye kya hua yaar oh my god what I did पर आई थिंक पूरा डिलीट हो गया हां यार ये तो बड़ा चक्कर हो गया तो राम राम से इतनी तेजी से जा रहा था मैं लल्लाह हमारे राजवान ओके आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग जस्ट गिव मी 5 मिनट्स और आई विल बी बैक ठीक है आप लोग इससे खेलें ट्रांसफॉर्मेशन आगे ना जाइएगा अभी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मैं आई विल बी बैक वेरी वेरी सून इंशाल्लाह ठीक है ओके आई एम बैक हियर आई थिंक देयर इज दिस क्वेरी टैब हियर ये क्वेरी टैब जो ना ये खतरनाक चीज है इसको मैं लेट मी राइट दैट डाउन इसको इसके तो होना नहीं चाहिए एक्सीडेंटली डिलीटेड दैट लेट मी जस्ट ये पावर क्वेरी असल में है वहां पे तो ये जरा थोड़ा सा एडवांस फीचर है तो आई थिंक वी आई एम बैक हियर सो डेट एंड टाइम आई डिड एवरीथिंग जो कि हमने बात किया था तो आप ये कर सकते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मेरे ज़हन में आ रहा था कि जितने भी ये वाले हैं
जो कि स्ट्रिंग है आपके, राइट, तो इनको आप सिलेक्ट करके यू कैन डू इट, यू नो, प्रिम भी कर दें सबको और सबको क्लीन भी कर दें, राइट, और सबके अंदर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, तो जैसे क्रेडिट कार्ड उन्होंने ऊपर कर दिया, तो दैट मेक्स इट रियली कन्वीनियंट। सॉरी, ऐसे तीन हिस्सा करता है ये सब पावर भी है। क्लीन वो ये करता है कि जो जो चीज क्लीन का मतलब ये है कि जो चीज उसमें स्ट्रिंग में फिट नहीं होती, जैसे आप यहाँ देखें ना इसको, ये क्लीन रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन द सिलेक्टेड कॉलम्स, जैसे कोई किसी ने कोई गलती से डॉलर डाल दिया, कोई प्रिंट हो गया, कुछ और हो गया, या कोई और दूसरी लैंग्वेज आ गई बीच में, तो उसका कोई फॉर्मूला होगा निकालने के लिए, जैसा कि हमने भी वो किए थे, मतलब किसी ने बीच में इसमें लेट्स से कि मैं अब मैं यहाँ तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, कोई डर्टी डेटा हम लेकर आएंगे तो पता चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम लेट मी इंपोर्ट द डर्टी डेटा, ठीक है, अगला जो हमारा होगा उसमें मैं थोड़ा सा डेटा जानबूझ के डर्टी रखेंगे ताकि उसको देखेंगे ये किस तरह से फिर होता है, सही है, ठीक है सर। अच्छा, और इस तरह लेट मी चेक के न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, This is what I can find out. तो इसकी अभी हमें ये चीज तो हम बेहतर है कि पाइथन में आप कर लेंगे, यहाँ पे ये चीज नहीं है। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है वो, हाँ, आई कैन कन्वर्ट दैट एनी वैल्यू टू अ परसेंटेज। अब ये टैक्स जो है, दिस इज द टैक्स अमाउंट, 5% टैक्स का कितना आया, तो अभी मुझे किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाज़ुकात मुझे करनी पड़ जाती है, राइट, कि मुझे किसी चीज को परसेंटेज के हिसाब से दिखाना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, this is a percentage, right, gross margin is a percentage, so let me see what happens when I need to nahi main acha ha ye to ek har column pe percentage apply kar dega, so I don't want to do any percentage, I want to convert this to a percentage format. इस पे था यार, इतना भूल गया, इट शुड बी हियर, नहीं, स्टैट्स, ज्योमेट्री, राउंडिंग, राउंड अप और राउंड डाउन में कर सकता हूँ यहाँ पे, इट सीम्स ऑब्वियसली। अच्छा, ये तो उसने फोर कर दिया राउंड अप, decimal places 2 is or 2 is fine, right, because I don't want to display too much. acha ye dekhen, ye agar koi galti ho gayi na, ye dekhen right side pe applied steps aa rahe hain, ab ye apparently kuch galti ho gayi hai, to main isko delete karta hu, wo usko undo kar dega, fir main isko delete karta hu aur fir main dobara isko delete karta hu, to bakhair main ikattha karke bhi kar sakta hu, to isko I'll just round to let's say 2 decimal places. So now it seems good. और सिमिलरली मैं इसको भी यही कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिर चार्ट पे ना बड़े अजीब अजीब लगेंगे, तो ये मैं सारा सबको इकट्ठे सिलेक्ट करके 2-2 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, और सिमिलरली मैं कॉग्स में भी I'll do the same thing. अगर आपने वो राउंड वो करना है तो राउंड आप वो पूरा कर दें। अच्छा, डेट और टाइम को मैं फिलहाल नहीं छेड़ा, रेटिंग इज फाइन, और टोटल सेल्स इज आल्सो समथिंग जो कि मैं, सॉरी फॉर दैट, इनको भी मैं राउंड टू डेसिमल कर देता हूँ, तो वो दोनों इकट्ठे राउंड हो जाएंगे, ये ऑलरेडी 2 पे है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था, लेट मी क्लिक ऑन ग्रॉस इनकम, देखिए ना, अब ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो मैं यहीं पे क्रिएट कर सकता हूँ, आई कैन इवन क्रिएट अ न्यू कॉलम, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी हमें इतना इस्तेमाल नहीं करना, राउंडिंग हमने देख ली है, इन्फॉर्मेशन इज इवन इज ऑड, इसका साइन क्या है वो अभी हमारे चक्कर का इतना मामला नहीं है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। तो यहाँ पे मुझे कोई वो ये डेसिमल नंबर आ गया, डिटेक्ट डेटा टाइप, डी नेम, काउंट रोज ट्रांसपोज कर सकता हूँ, बट अभी वो नहीं है, काउंट रोज, रोज तो हमें पता ही है, कन्वर्ट टू लिस्ट, लिस्ट में आप अभी कन्वर्ट ना कीजिएगा। आई कैन ऑल्सो स्प्लिट द कॉलम, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये है ना इनवॉइस आईडी, जैसे एनआईसी होता है ना,
तो एनआईसी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको एनआईसी नंबर पता है और जेंडर नहीं पता, तो एनआईसी के जो मेरे ख्याल में आखिरी दो डिजिट्स हैं या पहले दो डिजिट्स हैं वो जेंडर को बता रहे होते हैं कि ये इज इट अ बॉय और अ गर्ल, तो वो उसके अंदर फिर आप यहाँ पे यू कैन जस्ट यूज इट टू स्प्लिट द कॉलम बाय डीलिमिटर। अब जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये डीलिमिटर से ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है यूजिंग स्प्लिट्स यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर, तो अभी हम इसको खैर नहीं छेड़े, ठीक है। अच्छा, अब हम ये हमारे सारे चेंजेस हो गए, अब हम इसको विल जस्ट सेव इट, इसको अप्लाई करें चेंजेस। अब ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा सर, ये कहाँ से अप्लाई करना है? जब आप यहाँ पे सेव करेंगे ना ऊपर, तो वो खुद ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो बहरहाल आप ये क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, वो एक ही बात है, वो क्लोज एंड अप्लाई में अब आपका ये वाला व्यू आ जाएगा जिसमें आप विजुअल्स वगैरह बैठ गया आ गया। इसको मैं रीनेम यहाँ भी कर सकता हूँ, लेट मी रीनेम दैट टू बर्मा सेल्स, ठीक है। तो ये, और अगर आप वापस उस ट्रांसफॉर्म व्यू में जाना चाहें तो यू कैन गो थ्रू इट हेयर, ये वापस आ गया उसमें, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी वो चीजें चेंज हो गई हैं, तो बहरहाल ये आ गया, ठीक है। नाउ वी आर हेयर। अच्छा, अब सबसे पहला काम ऑब्वियसली मैं ग्रॉस इनकम के ऊपर सबसे पहले मैं अपना काम करना चाहूंगा, ठीक है, और ग्रॉस मार्जिन के ऊपर। तो मैं व्हाट आई विल डू इज के आई विल ड्रैग दिस गॉज, गॉज को ड्रैग करने के बाद आई एम मोर इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द ग्रॉस इनकम, तो मैं ग्रॉस इनकम यहां डाल देता हूं। अब ये मेरे पास ग्रॉस इनकम आ रही है इस वक्त, अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉप डाउन करूं तो आई एम टेकिंग द टोटल ग्रॉस इनकम राइट अक्रॉस ऑल द टाइम। अभी डायमेंशन तो मैंने डाली नहीं है, तो रिमेंबर के डायमेंशन में भी सबसे ज्यादा अच्छी डायमेंशन जो है ना वो टाइम ही होती है सबसे पहले ना, तो वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल लेट मी से के इसके बजाय कि मैं टोटल करूं, मैं इसको एवरेज कर देता हूं, सही है। अच्छा, ये जो इसके जो मिनिमम मैक्सिमम आ रहे हैं, पहले इसका मैं कलर चेंज कर दूं, डेटा कलर में अरे ऑरेंज है ही नहीं यार, हाँ अब सही है, ठीक है। आप लोग अपने पसंद का कलर देख लीजिएगा, टारगेट का कलर भी लेट मी चेक इज ब्लू इज फाइन, ठीक है सर। और एक सेकंड इसका कलर मैं थोड़ा सा नहीं, ये हुआ नहीं है, अच्छा ये उसमें आ रहा है, तो आई वॉन्ट टू उसका जो ग्रीन ग्रे का जो कलर है ना बड़ा हल्का सा आ रहा है वो मुझे, गॉज एक्सेस अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ, डेटा कलर्स डेटा, अच्छा वो टारगेट का वो आई थिंक यही रहेगा, तो मैंने इसको प्रॉब्ली मुझे इसको थोड़ा सा या आप लोग खुद देख लीजिए, आप देखें ना इसके अंदर वो जो गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर जो है ना ऊपर लिखा नहीं आ रहा था, यहाँ पे लिखा आ रहा है, वो अभी हम बाद में चेंज करते हैं। द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज के ये जो 30.76 है ना, ये जितना भी अभी आपके पास आ रहा है ये उसका डबल करके बता देता है, बट दैट इज नॉट द आइडियल मैक्सिमम दैट यू वॉन्ट राइट। आप आइडियल मैक्सिमम नहीं चाह रहे, तो मैं आई विल कम बैक टू दिस व्यू हेयर। तो मैं व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज के आई विल ट्राई टू गिव इट अ वैल्यू हेयर, ठीक है। तो मैं इसको एक एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं करता हूं कि मैं दोबारा से ग्रॉस इनकम यहां पे ड्रैग करता हूं इन द मैक्सिमम वैल्यू फील्ड राइट, और इसकी मैं रख देता हूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्चुअली इज 49.65 इनकम के हिसाब से ना, जो सबसे ज्यादा इनकम हुई है वो ये है, एवरेज इनकम मेरी कितनी है ये मुझे उसके हिसाब से भी चीजें यानी नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम जो है मिनिमम जीरो इनकम होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो आई कैन ड्रैग इट हेयर अगेन, और मिनिमम इज 0.51, मैक्सिमम इज दिस, और अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, ठीक है।
आई कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यूज हेयर. यहाँ पे पेंट ब्रश के अंदर गॉज एक्सेस है, गॉज एक्सेस में चूंकि मैंने मिनिमम बता दिया हुआ है तो वो तो ठीक है, बट आई कैन स्पेसिफाई अ टारगेट वैल्यू कि मेरा टारगेट एवरेज मेरा ग्रॉस इनकम कितना होना चाहिए टोटल टाइम पीरियड के ऊपर. तो वो मैं बता सकता हूँ कि जी तकरीबन आपका थर्ड लेट मी से 23 होना चाहिए, सही है. तो वहां पे मेरे पास एक वो आ गई, टारगेट आ गया, जो कि मैं अभी फिलहाल मुझे नजर आ रहा है कि मैं उस टारगेट को इतना अच्छा जो है ना वो मीट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट. तो ये एक चीज है. अब हम इसके थोड़ा सा आ जाते हैं कि मेंटेन लेयर ऑर्डर, इसका भी इतना मुझे वो जरूरत नहीं है. जस्ट क्विकली गॉज एक्सेस भी हो गया, डेटा कलर्स भी हमने कर लिए. इसके अंदर एफ ऑफ एक्स का आई कैन मेस विद दैट हेयर, लेकिन अभी इसकी ये डिटेल की चीज है 23.00 और ये भी ठीक है. और डेटा लेबल्स का जो कलर है आई कैन मेक देम एज ब्लैक, ठीक है. और डिस्प्ले यूनिट्स टेक्स्ट साइज आई कैन डू इट लाइक दैट. फॉन्ट फैमिली सही है. टारगेट का कलर भी आई कैन मेक इट एज ब्लैक, तो वो टारगेट ब्लैक हो गया टू मेक इट मोर. और डेसिमल प्लेस इज 0 और 1 डेसिमल प्लेस तक कर लें, उसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ा दें ताकि टारगेट हमें नजर आए. फॉन्ट फैमिली इज फाइन. और टाइटल को बस जस्ट से के ग्रॉस इनकम एवरेज, राइट. फॉन्ट कलर इज फाइन, बैकग्राउंड कलर इज ऑल्सो फाइन. अलाइनमेंट मुझे सेंटर में करनी है, ये आप फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें. क्रॉस इनकम एवरेज अब आप इसको क्यों कर लें, दिस शुड बी राइट, ठीक है. और बैकग्राउंड कलर अब आपकी मर्जी है, मतलब ब्लैक करेंगे तो अजीब सा लगेगा, ठीक है. लेकिन ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है. वो चीता वाले केस मैंने बताई थी, तो आप हर चार्ट का अपना बैकग्राउंड कलर बना सकते. तो आई लीव इट टू यू टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल. तो बहरहाल ये अब हमारे पास हो गया कि we can see कि हमारा जो टारगेट एवरेज क्रॉस इनकम का है वो फिलहाल मीट नहीं हो रहा. रिमेम्बर कि आपको हमेशा डैशबोर्ड के ऊपर ना वो चीज दिखानी होगी जो कि लिमिटेशंस भी आप उसकी दिखाएंगे. ऐसा नहीं है कि हर चीज आपकी रोज ही चल रही है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको अगर स्प्लिट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जाम्पल स्लाइडर, ठीक है. तो वन ऑफ द टूल्स जिसके जो मेरे लिए बड़ी जरूरी है इस वक्त वो स्लाइसर है. तो स्लाइसर अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आई वॉन्ट टू स्लाइस विद रिस्पेक्ट टू द डेट, जो डेट टाइम मेरे पास आई है ना. अब मैं डेट और टाइम पे अलग भी करके देखूंगा कि क्या फर्क पड़ता है. फिलहाल पहले मैं डेट टाइम के क्रॉस स्लाइड करता हूँ. अब ये मेरे पास देखें ये वो स्लाइड है. पहले मैं इसका थोड़ा सा टाइटल का वो क्या कहते हैं टाइटल को मैंने ऑन कर दिया. तो टाइटल टेक्स्ट ये है डेट टाइम स्लाइसर और ये यहाँ पे आ गया. और ठीक है जी, ये यहाँ पर ये आ गया स्लाइसर. और स्लाइडर जो है उसका कलर इट्स फाइन. I can give it the perspective blue. अगर आप इसको ब्लू डालना चाहते हैं ब्लू डाल दें. अच्छा, डेट की इनपुट्स जो है ना वो इसका फॉन्ट साइज काफी कम है, तो लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस. आप देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है. द टाइम इज नॉट हेयर और वो एक चीज है जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन विल सी हाउ. अभी उसको बाद में देखते हैं. व्हाट इज दिस Slicer header. header को मैं ऑफ कर देता हूँ. तो और स्लाइडर को आई नीड टू इसको सेंटर पे डालना था मुझे. Slicer, I can't put this in the center. So let me see general के अंदर अगर मैं वो डाल सकता हूँ. जनरल के अंदर तो जनरल चीजें होंगी.
इसके अलावा मैं बैकग्राउंड और शेडो वगैरह भी, बहरहाल अभी आप ये देखेंगे कि इस तरह जब इफ आई डू समथिंग लाइक दैट, वो देखिए आप वो सब वो देख रहे हैं वहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उससे लिंक्ड है। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेट से देखना है तो मैं अगर मैं डेट्स में यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा ये व्यू मेरे पास इतना अच्छा आ नहीं रहा है, तो बहरहाल इसको आप कर सकते हैं बाद में। दिसंबर फरवरी 2019-14 से लेके और लेट्स से के 27 मार्च तक, राइट, ये आ गया। तो ये मेरे पास आप बता रहे हैं कि कितना था, जो भी आप यहाँ पे करेंगे ना वो आपका वो होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूं तो आई जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी दैट, तो अगर मैं इसको रेप्लिकेट करके लेट मी जस्ट डिलीट, अच्छा यहाँ पे लेट मी सी के मेरे पास यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर मैं डेट हायरार्की, या दैट्स द थिंग, ठीक है। तो फिलहाल लेट मी जस्ट रिमूव दिस, आज असल में थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसकी गलतियां हो रही हैं। अच्छा इसके अंदर लेट मी क्लिक ऑन दिस डेट हायरार्की, तो अब आप ये देखें कि उसने हायरार्की बना दी है। लेकिन उतना हमारा डेटा है नहीं ना, तो इस डेटा में हायरार्की बनाने का तो कितना नहीं होगा, दिस इज डज नॉट सीम वेरी इंटरेक्टिव। और हायरार्की जो है ना वो ड्रिल डाउन से भी बन जाती है आमतौर पे, जब हम डेट वेरिएबल लेंगे ना, अभी स्लाइसर के अंदर जो है ना उसको करने का तुक नहीं होगा। तो आई जस्ट अनडू दैट, ठीक है। अभी ये स्लाइसर हमारे लिए जरा ज्यादा बेहतर चीज नजर आ रही है फिलहाल, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूं एंड लेट मी जस्ट फोकस हियर, हाँ मैं दोनों चीजें इसमें डाल सकता हूँ। लेट मी चेक इफ आई कैन पुट द टाइम हियर, राइट, सो नॉट दिस वन, आई एम सॉरी। ओके अब इसके अंदर हमें थोड़ी रैंगलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम हमने डिस्क्रिटाइज किया नहीं है और वो स्लाइसर टाइम का ले नहीं रहा, वो स्लाइसर टाइम का वो आ नहीं रहा प्रोबेबली बिकॉज के वो उसके साथ टाइम की अगर आप डेटा टाइप चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेफ्ट पे थ्री चीजें आ रही है ना, थ्री आइकन्स आ रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट पे, यू कैन गो बैक टू डेटा एंड चेंज इट्स टाइप। इसकी टाइप इसका टेक्स्ट, दोबारा बोले सॉरी, टाइम तो मेरा हुआ हुआ है, चेंज टाइप कह रही हैं आप जी, उसकी टाइप टाइम सेट, टाइम सेट हो ही गया। हाँ ये देखिए ना, ये टाइम तो सेट हुआ हुआ है। अच्छा हो सकता है कि स्लाइसर फॉर्मेट के अंदर इसको लाने के लिए, हाँ जब मुझे स्लाइसर ऑन करना पड़ेगा ना, अरे भाई नहीं, स्लाइसर ऑन, स्लाइसर हेडर है, सिलेक्शन कंट्रोल्स सिंगल, आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद हाउ इट्स बीइंग प्रोग्राम्ड, इसको स्लाइसर तो शो करना चाहिए। आपका आ रहा है स्लाइसर, किसी का स्लाइसर आ रहा है? I got confused. मैं वो date time को देख रही थी, मैं बाद। हाँ तो ये असल में इसमें बात ये होगी कि इसकी ना इतनी formatting इतनी अच्छी है नहीं इस वक्त ना, तो मैं time को अलग से ले नहीं सकता, तो इसको फिर हम इसको बाद में देखते हैं कि क्या तरतीब बनती है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर आती है, अब इसको आप सेव कर लें, एक चीज यहाँ पर आती है स्पॉटलाइट, हर चार्ट के ऊपर ना यहाँ पे एक इसका आता है स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट में होगा कि दिस बिकम्स लाइक प्रोमिनेंट, इसको क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल चार्ट्स हैं तो उसको देखने के लिए फिर स्पॉटलाइट आप बाजू का स्पॉटलाइट पे करना पड़ता है, और शो एज अ टेबल तो अभी हमने नहीं करना,
अच्छा आप इसमें आप ये कर सकते हैं कि यू कैन पब्लिश दैट, ठीक है, तो एक आपकी बाय डिफॉल्ट एक वर्क स्पेस होगी, आपको सिलेक्ट कर लें। अच्छा ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल ओपन नहीं कर रहा, आपको किसी और तरह दिखाना चाहता हूं, तो गॉट इट। अच्छा आप जैसे ये आ गया, ठीक है, अब अगर मैं अपना वो खोलता हूं लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट का, वो आप खोलें, तो इसके अंदर जो है ना वो इफ यू ब्राउज यू कैन लुक एट दिस एप्स, तो ऐप में आपके पास ये पावर बी आई भी आ रहा होगा, ठीक है, तो पावर बी आई में आप आ जाएं। गुड मॉर्निंग तारिक, ये माय वर्कस्पेस में मैं क्लिक करूंगा, तो आई एम गेटिंग दिस सेल्स बर्मा हेयर, राइट, दिस इज द रिपोर्ट, ये डेटा सेट भी आ रहा है, तो डेटा लीनियज करने के लिए अभी फिलहाल तो आई जस्ट क्लिक हेयर। अब मैं इसको जो आपने रिपोर्ट बनाई है, मैं इसको यहाँ पर आई कैन जस्ट मेस विद दैट टू यू नो टू सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है, ओके बो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है, सही चल रहा है, जी जी, अच्छा तो मैं बात करूं उससे, डॉक्टर से, अच्छा अच्छा चलिए मैं आपको पता करके बताता हूँ, ठीक है, सही है, अब अभी तो क्लास हो रही है, पास ले रहे मैं, हाँ मैं करके बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके सही है, सॉरी, ओके सो सॉरी अबाउट दैट, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर अब आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, तो दैट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट, ये उन्होंने बेसिकली भी काफी आसान कर दिया है, पहले तो उसके अंदर था क्या कहते हैं डेटा स्टूडियो को जैसे आया तो उसमें उसका उन्होंने ये आपको वो एक वो दे दिया कि इस तरह आप अपने इकोसिस्टम में शेयर कर सकते हैं, अलबत्त डेटा स्टूडियो तो ये है कि आप दुनिया में किसी से भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ये कि जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम है उसके साथ आप बड़े आराम से जो है ना वो चीजें आप शेयर कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन और नॉर्मल वर्जन में क्या फर्क है? सॉरी पावर बीआई का एक पेड वर्जन भी तो आता है। जी जी उसके मुख्तलिफ पेमेंट्स हैं, उसमें फर्क ये है कि प्रोबेबली जिन चीजों पे देखिए जो उनकी फंक्शनैलिटी वेरी करती है वो ये है कि यू कैन प्रोसेस मोर डेटा, दो चीजें होती हैं कि जैसे आप अगर आप कहें जी मेरे पास 500 मेगाबाइट का डेटा है तो 500 मेगाबाइट का डेटा शायद डेस्कटॉप वर्जन ना संभाल सके क्योंकि वो फ्री वर्जन है, ठीक है, कंपनीज में अगर आप 3 साल का डेटा लेके जा रहे हैं तो वो आराम से 1-2 गीगाबाइट्स का भी हो सकता है, वो हम यहाँ पर एनालाइज नहीं कर सकेंगे, ना ही उसको रैंगल कर सकेंगे, उसमें फिर ये होगा कि वो पावर बी आई आपको पूरा का पूरा क्लाउड पे आपको दे देंगे, और बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हो रहा होगा कि वो पावर बी आई का या तो प्रो वर्जन का डेस्कटॉप आपको दे देंगे जिसमें आप ऑब्वियसली क्लाउड वाला डेस्कटॉप वर्जन आ जाएगा लेकिन यू कैन प्रोसेस मोर डेटा, दूसरा उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें टूल्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो जो जो बेसिकली जो एज्योर है, Azure अब एक बहुत बड़ा ecosystem बन गया है, ठीक है, Azure अब एक बहुत बड़ा ecosystem बन गया है, और उसके अंदर machine learning भी है, big data lakes भी बन रही हैं, deep learning भी हो रही है, आप GPUs वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप Hadoop को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका data अगर Hadoop पे पड़ा हुआ है और उस पर आपने Power BI चलानी है, अब वो सारा का सारा it is quite possible, तो उन सारे features को utilize करने के लिए आपको Power BI का paid version चाहिए होगा, इधर से आप नहीं कर सकेंगे इतनी आराम से वो सब चीज़, यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ है, एकेडमिक्स के लिए फ्री किया हुआ है, लेकिन प्रोफेशनली आपको जो ना वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट ले ले बेहतर है, फ्री में ना चलाएं पावर बीआई, बेहतर तो यही है कि ले ले उसको, ठीक है जी, अच्छा एक तो ये हो गया, अब दूसरी चीज जो हमें देखनी है ना वो बेसिकली ये है कि तो अब आप एनविजन कर सकते हैं कि आई कैन मूव अराउंड विद डिफरेंट डेट्स एंड सी के क्या चल रहा था, ये सिर्फ 3 महीने का डेटा है तो इसकी यहाँ पर हमें इतनी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं।
अच्छा आप यू कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग फॉर दी जो आपकी वो है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ. यू कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग फॉर दी ग्रॉस मार्जिन. तो ग्रॉस मार्जिन तो हमारा आपको पता है वो एक ही है. और आई कैन रिमूव द टारगेट दैट आई हैव हियर. ग्रॉस मार्जिन का टारगेट मेरा हो सकता है जनाब, लेट मी पुट द मैक्सिमम ग्रॉस मार्जिन एज 33 जो कि मैं कंपनी में चाह रहा हूं, और मिनिमम जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो लेट से कि 1 की है. ठीक है, तो 33 और 1 हो गया. और मेरे पास जो भी आ रहा है वो मैं अगर मैं कहूं कि एवरेज इट्स दैट, तो मैं अपने टारगेट से बहुत पीछे हूं. और आई कैन पुट द टारगेट हेयर ऑल्सो, सॉरी फॉर दैट, ये गॉज एक्सिस में होता है. तो लेट मी पुट द टारगेट एज लेट से के 15 हमारा टारगेट था. तो ये चीज हमारे काफी ज्यादा जो है ना वो हमारे जो है वो उसकी है, जरूर उसको देखने की चीज है कि ये वाकई में हम लोग अपने टारगेट से कितना पीछे हैं. और ऑब्वियसली इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा. तो दिस इज द ग्रॉस मार्जिन. सो आई जस्ट चेंज द टाइटल, एवरेज ग्रॉस मार्जिन. और ये चीज जो है ना, ये दिस शुड बी देयर ऑन ऑल द पेजेस, राइट? क्योंकि उसमें आपको यही दिखाना होगा. और ग्रॉस मार्जिन जो है वो चेंज नहीं होगा इन स्लाइडर्स के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन का उससे इट्स द सेम ग्रॉस मार्जिन फॉर ऑल द टाइम पीरियड्स, तो ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होगा. हाँ, अगर मैं इसको सम करता हूँ तो प्रॉब्ली फिर शायद चेंज हो जाए, लेकिन सम करने का तुक नहीं बनता, तो मैं क्यों चेंज करूँ. ठीक है, और लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट वंस अगेन विद द सेल्स. आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि दोनों में वो चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो टोटल सेल्स अगर मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ, और आई जस्ट रिमूव दीज, और टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स मिनिमम, और टोटल सेल्स आपका मैक्सिमम, और यहाँ पर मैं एवरेज दे देता हूँ. तो आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो है ना, एवरेज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज मच ऑब्वियसली, क्योंकि और आई कैन पुट द टारगेट हियर, द टारगेट कैन बी लेट से 400. ये मेरा टारगेट था. आपने देखा सेल्स पर्सन को टारगेट वगैरह दिए जाते हैं, तो ये दिस सीम्स टू बी वेरी गुड थिंग कि जब आप उससे उसको प्रोग्राम कर सकें. तो यू कैन सी कि मैं अपने टारगेट से टोटल सेल्स के हिसाब से कितना दूर हूँ. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू कैन जस्ट चेंज, और सारी चीजें उसके हिसाब से चेंज हो रही हैं. ठीक है, इफ आई सेव दैट, तो यू हैव टू पब्लिश इट ऑब्वियसली अगेन. तो ये मैं रिप्लेस कर देता हूं. राइट, सो इट इज सक्सेसफुल नाउ. तो अगर आप उसको जाके वो करेंगे तो यू कैन जस्ट, अगर आप उसको जाके देखें app.powerbi.com पे, तो अब वो आपका जो डेटा सेट है वो अपलोड हो चुका होगा. ठीक है, सो इस तरह आपके डैशबोर्ड बनते जाएंगे और आप शेयर करते जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, इट बिकम्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट. अच्छा, अब आप पेज टू पर आ जाए. पेज टू के पर अब हम बेसिकली, लेट मी पुट दिस, that's what I'm interested in as an area chart. So I मैंने आपको बताया था कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप सबसे पहले अपना KPIs का प्रोग्रेस देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मेरा अपना जाती नजरिया है. सो आई कैन अच्छा, मैंने अभी फील्ड को डाली नहीं है, तो लेट मी पुट द फील्ड फर्स्ट. ऑब्वियसली मैं देखना चाह रहा हूँ ग्रॉस इनकम और एक्सेस, सॉरी ग्रॉस इनकम मैं वैल्यूज में देखना चाह रहा हूँ, और एक्सेस पे मैं डेट टाइम देखना चाह रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट. और ये बेसिकली काउंट डिस्टिंग, अच्छा ये वही वाला इशू आ रहा है यहाँ पे कि काउंट
कौन से भी नहीं होगा ब्ला 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 ये बेसिकली एरिया चार्ट है ना लेट मी रिप्लेस दैट विद दिस अच्छा इसके अंदर ये थोड़ा सा हाँ आई हैव टू क्रिएट अ न्यू मेजर हियर इसको करने के लिए ये दिस इज जस्ट शोइंग मी वन पॉइंट बट आई वांट मैं टाइम के हिसाब से वो चीजें देखना चाह रहा हूँ एक मिनट ठहरें मी डू अ लाइन चार्ट और लेट मी डू अ स्कैटर किसी के अगर यहाँ पे वो डेट टाइम एक्सेस और आपका लेट्स से कहाँ गया यार वो ब्राउज़ कर तुम Oh, I don't, sorry, I was not going into this next level of hierarchy. Sorry about that. Let me see if this works here. हाँ ये आ गया good that's ये असल में वो उसको ना hierarchy के ऊपर के level पे देख रहा था तो इसलिए उससे कुछ नजर नहीं आ रहा था समझ में आ गया आप लोगों को drill mode is on तो ये आप देखें automatically इस क्योंकि वो date में मैं कर सकता हूँ तो मैं ये इस level तक आ गया हूँ sorry yeah so total सही है data warehousing में हम total ही देखते हैं So, right. So, if I put in the secondary values, oh my God, put it here. So there's not much difference in the way these things are changing. Although there should be a difference, yeah. How can it happen? अच्छा वो तो बहुत नीचे चला गया. So it does not make sense to compare them because sales ऊपर आ गई, gross income बहुत नीचे चला गया. So if I compare the sales with the cost of goods sold तो अब आप देख रहे हैं कि वो उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब है ठीक है ये तो हमने पहले ही कहा था कि वो प्रोपोर्शनल होते हैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो या सो इसमें कोई ग्रॉस इनकम को आप सेकेंडरी वैल्यू डाल दें तो ये सारे आपस में वो किसी तरह से मर्ज हो रहे हैं बहरहाल ये तो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ I'm not interested. I'm just अभी मैं इनकम को देखना चाह रहा हूँ So this is how my income is varying with respect to you know on a daily basis के ऊपर मेरी इनकम किस तरह वेरी कर रही है ये चीज जो है ना वो मेरे पास इस वक्त आ रही है ठीक है और क्या कहते हैं अभी चूंकि मैं उसके स्केल के ऊपर नहीं हूँ तो मैं इसको ग्रॉस इनकम बाय डे और फिर मैं इसको टोटल सेल्स भी यहां से डाल सकता हूं तो ये एक वो चीज है जो कि हमें थोड़ी सी स्टोरी बनाने में हेल्प करेगी ठीक है ये मेरे टारगेट्स वगैरह कितने केपीआईज के और फिर उसमें यहां पर क्या हो रहा है तो आई कैन जस्ट ड्रिल डाउन सो दिस इज प्रीटी अगर मैं इफ आई पुट दिस एज अ फिल्टर Add to filters and report level filter. हाँ लेकिन इसको मैं इस तरह नहीं करना चाह रहा let me just remove this. If I put the slicer, let me see if I can put the slicer here. क्योंकि gender का आपको बताया था कि gender is more यहाँ पर मेरे पास ये स्लाइसर इज बेसिकली आप कह रहे हैं उसको फिल्टर है तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह बढ़ा देता हूँ फॉन्ट कलर टेक्स्ट साइज ठीक है फॉन्ट फैमिली देन आइटम्स का भी टेक्स्ट साइज आप बढ़ा दें राइट वी नीड टू मेक इट लार्जर इवेंट अब जो है वो
नाउ यू कैन सी कि ये किस तरीके से मेल फीमेल की क्या क्या, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ से तो कुछ इतना खास समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों ग्राफ तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, ग्रॉस इनकम और टोटल सेल्स। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना इसमें डेटा असल में टाइम इसका वो कम है, क्या कहते हैं टाइम फ्रेम बहुत कम है, इट्स नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द पैटर्न। लेकिन व्हाट अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स फीमेल्स के पैटर्न में कोई आपको चीजें नजर आ रही हैं? डिफरेंस नजर आ रहा है ना काफी? किन दिनों में फीमेल्स और मेल्स के उसमें पैटर्न है? बहरहाल ये इसको ये भी आप करके देख सकते हैं, दिस इज समथिंग। ओके स्कैटर प्लॉट और किस किस में तो बनेगा? रेटिंग, सो टोटल सेल्स को अगर मैं यहाँ खत्म कर दूं और लेट मी ब्रिंग इन द रेटिंग हियर, एवरेज रेटिंग, सो यू कैन सी हियर कि एवरेज रेटिंग मेरी कितनी रह रही है अक्रॉस, इट सीम्स प्रीटी कंसिस्टेंट। अब यहाँ देख सकता हूँ कि रेटिंग मेरी कहाँ नीचे जा रही है, तो आई कैन सी दैट, ठीक है कि रेटिंग मेरी किस किस जगह पे आई एम गोइंग डाउन, आई कैन सी द रेटिंग हियर। तो लेकिन मोर और लेस मुझे आई एम गेटिंग गुड रेटिंग्स थ्रू आउट द थ्री मंथ्स, सो ये एक मेरे लिए अच्छा है। बस ये कुछ टाइम ऐसा आया है कि हर महीने की कुछ, बिकॉज दिस इज द एवरेज ऑफ दैट टाइम राइट, तो महीने के आखिर में कुछ मेरी रेटिंग्स ड्रॉप कर रही हैं, प्रॉब्ली बिकॉज के प्रोडक्ट्स कम हैं और कुछ जगहों पे मेरे पीक्स आ रहे हैं, महीने के आखिर में भी आ रहे हैं, ज़्यादा पीक्स मेरे महीने के बीच में आ रहे हैं, तीनों महीने के बीच में मेरे पीक्स आ रहे हैं, बिकॉज मैंने एवरेज की रेटिंग ली हुई है, तो हर महीने का मुझे एवरेज निकाल के दे रहा है। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स के रेटिंग उनकी क्यों नीचे हो रही है, क्या हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं, कैन ऐड मोर फिल्टर्स हियर, उससे हमें और चीज़ें भी पता चल सकती हैं। सर ये जेंडर आपने कहाँ से सिलेक्ट किया? ये मैंने स्लाइसर ड्रैग किया है, स्लाइसर में मैंने वैल्यूज में जेंडर डाल दिया है। ये स्लाइसर है ना? जी। स्लाइसर इज बेसिकली द फिल्टर, आपको अलग से यहाँ फिल्टर डालने की जरूरत नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आपने चार्ट पे तो फिल्टर डालना ही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन क्रिएट अनदर स्लाइसर, अगर मैं इफ आई डू वॉन्ट टू डिस्कवर के मेरी रेटिंग क्यों जा रही है, तो रेटिंग को मैंने देखा था तो उसका जेंडर के साथ ही ज्यादा ताल्लुक आ रहा था। आई कैन सी द रेटिंग फीमेल का, रेटिंग पैटर्न्स देखें आप, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, और मेल का रेटिंग पैटर्न्स देखें आप तो इट्स रिमेनिंग। अच्छा यहाँ पे मैं प्रॉब्ली आई कैन ऐड दिस एनालाइज एक्सप्लेन द इंक्रीज, लेट मी सी व्हाट दैट डज, तो क्वेश्चंस तो नहीं पूछना शुरू कर देगा वो। अच्छा ये मेंबर मेरे ख्याल में कस्टमर टाइप तो नहीं है कहीं, मेंबर हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इंक्रीज अमंग कस्टमर टाइप, ये खैर आप इस पे वो ना कीजिएगा, ये मैं ऐड टू पेज ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐड टू पेज करना चाहिए, ठीक है। इसको मैं असल में वो एवरेज की एक लाइन डालना चाह रहा था, देयर इज टिपिकली एन ऑप्शन जिसमें मैं एवरेज की लाइन डाल सकता हूँ, फोकस मोड में यहाँ पे इंडिविजुअल उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी सी कि मैं यहाँ पे इफ आई कैन पुट द एवरेज लाइन, no not this insert, no decomposition tree, this is also something that mujhe aapko batana hai, let me write that down, decomposition tree, main aisa karunga ki main ab ek bahut hi mushkil data set import karke na uspe hum karenge, pehle khair isko hum kar lete hain, ye average ki line dal jayegi na to wo zara zyada aasani hogi samajhne mein kis tarah, lekin you can see now ke मेल ड्रॉप डाउन तो मुझे नहीं करना, लिस्ट इज ओके बिकॉज़ आई जस्ट हैव टू वैल्यूज, आप देख रहे हैं कि मेल की जो रेटिंग का जो पैटर्न है वो फीमेल की रेटिंग के पैटर्न से काफी डिफरेंट है, फीमेल में वेव ज्यादा है एंड इट्स लाइक महीने के बीच में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है,
और मेल्स की जो है ना वो महीने के आखिर में रेटिंग डाउन जा रही है एवरेज. सो ये दिस इज द डिस्टिंक्शन जो कि आपको फिगर आउट करनी है कि क्या है, क्यों है, क्या नहीं है. तो अगर मैं इसको मजीद समझना चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू इज के अभी तक मैंने टैक्स और क्वांटिटी वगैरह को तो देखा ही नहीं है, यूनिट प्राइस को देखने का इतना कोई फायदा नहीं है. लेट मी चेक दी ब्रांच. ठीक है, तो ब्रांच के हिसाब से भी आप दो 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 स्लाइसर लगा के देख सकेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. सही. और इसमें एक तो हमारे पास ये हो गया जो हमें थोड़ा सा टारगेट्स का एक डैशबोर्ड बना लें आप, फिर दूसरे पेज के ऊपर आप ये लाइन चार्ट्स बना लें, ये यू कैन मेक देम मोर इंटरेक्टिव. तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसका, लेट मी चेक इफ आई कैन पुट द बैकग्राउंड नाउ. अब आप जब बैकग्राउंड इसको यूं डालेंगे ना तो ये है, और उसको आप वाइट कर दें तो इससे जरा ज्यादा प्रोमिनेंट करके नजर आ जाएगा कि क्या पैटर्न्स चल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी, मिड टर्म्स होंगी, उसमें इंटरेक्टिविटी के आपके नंबर होंगे. ठीक है, आप ये समझ लें कि 15-20% नंबर इस चीज के होंगे कि आपने कितना ज्यादा उसको चीजों को खूबसूरत बनाया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक चीज है, व्हेन वी पुट दैट ऑन पेज 3, क्यू एंड ए. ये बड़ी अजीब सी चीज है और इसके अंदर आस्क अ क्वेश्चन. तो इसमें मैं कह सकता हूं कि देखे आप, देख रहे हैं आप, कह रहे मुझे इसका साइज पहले बढ़ाने दें, इसका साइज पहले बढ़ाने दें. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हाउ इज द ग्रॉस, अभी देखिए खुद ही बता रहा है, इनकम वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू जेंडर. ये देखा आपने. अब इससे पहले कि मैं वो चार्ट बनाऊं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ और क्वेश्चंस के जरिए से मुझे पता चल जाएगा कि भाई क्या है, तो मैं इस चार्ट को डालूं कि ना डालूं. ठीक है, सिमिलरली इससे पहले क्या देखें, बार चार्ट्स तो आपको डालने ही, कंपैरिजन देने का, आपको बस देखना ही है कि किसके अक्रॉस में करना चाह रहा हूँ. तो मैं तो जेंडर के अक्रॉस ही इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है, तो जेंडर के अक्रॉस मैं कह सकता हूँ कि लेट मी से के जो हाउ इज द क्वांटिटी वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू जेंडर. ये उसने क्वांटिटी बता दी कि दोनों की क्वांटिटी कितनी है. इन दिस वे यू कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. ठीक है, हाउ इज द क्वांटिटी वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आपको पहले चीज से पता. अब यहां से आप क्वेश्चन आंसर अपना करके उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में डाल दें. ठीक है, समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलो ठीक है, वी कैन स्टॉप हियर. आप क्या कहते हैं, जस्ट प्ले अराउंड विद दिस. अभी मैं असाइनमेंट को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे पास एक गैप तो काफी ज्यादा है बीच में, तो आई विल थिंक अबाउट कि इसको किस तरह करना है. मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि आप इसमें आप जितना मैंने कराया है उतना आप कर लें. अगर आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं वो आप इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहें वो मजीद एक्सप्लोर कर लें. जस्ट प्ले अराउंड विद द डेटा, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. इसका आपको एक फॉर्मल तो सबमिट करना ही पड़ेगा बाय नेक्स्ट थर्सडे ना, पूरा एक पीबीएक्स की जो फाइल है वो आपको मुझे सबमिट करनी पड़ेगी. तो वो इस वजह से बेहतर है कि आप इस पे काम कर लें तो अच्छा है. वो मैं उसकी एक बना देता हूँ, उससे आपने पीबीएक्स का फॉर्मेट शेयर करना है. और इसमें आप देखें, आप यहाँ पे सब चीजें डाल भी सकते हैं. मतलब यहाँ पर आप अगर आप इसमें आ जाए, इस व्यू में आ जाए, तो नहीं सॉरी आई कैन, ये देखें यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स. आई कैन पुट द टेक्स्ट बॉक्स हियर, और इसमें मैं जो भी आप एक्सप्लेनेशन बताना चाहें वो यहीं पे चार्ट पे करके आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो हमें पता चला है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गॉजेस किस तरह बनाने हैं, ये टाइम स्लाइडर मेक्स द बेस्ट ऑप्शन. हाँ, मैं स्लाइडर में क्वान्टिटी के हिसाब से भी डाल सकता हूँ, राइट? तो अगर मैं इसको, दैट डज मेक्स मोर सेंस के क्वांटिटी समथिंग जो कि मुझे स्लाइडर के लिए ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी खरीदी गई है,
या टेक्स्ट के हिसाब से भी स्लाइडर बन सकता है, टेक्स्ट के हिसाब से स्लाइडर बनाने का क्या तुक बनता है? हाँ, मैं डिफरेंट टैक्स अमाउंट्स के लिए अपनी ग्रॉस इनकम को वो कर सकता हूं। तो आप देख रहे हैं कि जब ये तो डेट टाइम स्लाइड है तो गलत है। मैंने कीप द टैक्स बिटवीन टू, तो टैक्स ग्रॉस इनकम एवरेज जो है चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग के मैं कित, सर हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा सही है, ठीक है, चले सही है, ठीक है, चले सही है। आप इसको जस्ट प्ले अराउंड विद दिस, डिस्कवर मोर इन्फॉर्मेशन, और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप इस पे काम करें, मेहनत करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह।